नमस्कार मित्रों, टिप्स ऑफ द डेज मेरी नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टिप्स मरकरी और मार्स और केतु के संबंधों पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुध जो होता है वो इंटेलिजेंसी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, और बुध का सबसे बड़ा शत्रु मंगल और केतु होता है। सो जब कभी भी चार्ट में बुध जो है वो मंगल और केतु के साथ एसोसिएटेड होता है, यूथ होता है, एस्पेक्ट होता है, दृष्ट होता है, तब जो है वो कारक होता है जातक के मूर्ख होने का या लेक ऑफ इंटेलिजेंसी होने का, मतलब उसमें बुद्धि कम होती है या वो अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता है, और या वो जड़ बुद्धि होता है। लेकिन यह हमेशा सही नहीं है। बुध जो है अगर मंगल और केतु के साथ रिलेशनशिप बनाए तो यह जातक को एक अच्छा गणितज्ञ, अच्छा कैलकुलेशन करने वाला बना सकता है, और जिसके पास अच्छी लॉजिकल एवायबिलिटी भी हो, यानी वो जातक को मैथमेटिशियन, ग्रेट लॉजिक वाला, अच्छे लॉजिकल एवायबिलिटी वाला, तर्क शक्ति से परिपूर्ण बना सकता है। सो यह डिपेंड करता है जातक पे कि वह मंगल और केतु की एनर्जी का किस प्रकार सदुपयोग करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध जो है वो मंगल और केतु के साथ एसोसिएटेड है तो यह आप पे डिपेंड करता है आप अपनी इंटेलिजेंसी को किस वे में यूज करना चाहते हैं। आप एक अच्छे तर्क शक्ति वाले बनना चाहते हैं, एक अच्छे गणितज्ञ बनना चाहते हैं, या अपने बुद्धि पर मंगल और केतु को हावी होते हुए आप गलत निर्णय वाले, जल्दबाज हो सकते हैं, जल्द निर्णय वाले हो सकते हैं, या जो है अपनी इंटेलिजेंसी का प्रॉपर वे में उपयोग नहीं करने वाले हो सकते हैं। सो जब कभी भी कोई भी कुंडली में मंगल बुध, अगर मंगल और केतु अगर बुध के साथ संबंध बना रहा है तो जातक को अपनी तर्क शक्ति को विकसित करनी चाहिए, अपनी एवायबिलिटी को विकसित करना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में, न्यूटन की कुंडली में देख सकते हैं। स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ, जब उनकी स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ थी तब उन्हें मूर्ख समझा जाता था। वो अपने एजुकेशन में या जो स्कूल लेवल की स्टडीज थी उसमें वो पीछे थे, पर जैसे 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 समय क्रॉस करते गए आज उनकी बुद्धिमत्ता सबके सामने है। उनके जो गणित के इक्वेशंस हैं, उनके जो सूत्र दिए गए हैं वो सारे फॉलो करते हैं। तो हमेशा जो है कोई भी योग जो है निगेटिव फल देने में सक्षम नहीं होता। किसी भी योग में बुरे गुण भी होते हैं और अच्छे गुण भी होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें उस योग के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुण को एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने अंदर समाना चाहिए अच्छे गुणों को, और निगेटिव गुणों को डिवाइड करना चाहिए। यही ज्योतिष का सबसे उत्तम उपयोग है। आशा करता हूँ आपको मेरी टिप्स ऑफ द डेज पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी टिप्स ऑफ द डेज सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।